नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। पुलिस अधीक्षक बारम विनित कुमार बंसल ने बताया कि दिनांक 10/6/2021 को ग्राम कड़ियाहाट के सतीश धोबी ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी माँ अटलापुरा में पंचायत भवन के पीछे मकान बनाकर अकेली ही निवास करती हैं। आज दिन में 4 बजे करीबन मेरा छोटा भाई मेरी माँ के मकान पर गया तो मेरी माँ मकान में नीचे नहीं मिली, तो उसने पास में लगी लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर जाकर देखा तो मेरी माँ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिस पर उक्त घटना पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना स्थल निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बारम विनित कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारम एवं मृत अधिकारी छबड़ा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं घटना स्थल पर मोबाइल फोरेंसिक यूनिटी का FLC टीम व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर बारीकी से निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड द्वारा घटना स्थल को सुंघाया गया, जिसमें संदिग्ध पर संदेह किया। दिनांक 10 तारीख को 10 जून को बापचा थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला की उसके घर की छत पर सोते हुए एक हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सूचना पर जब घटनास्थल को देखा गया, संदिग्धों से पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि ये महिला जो है विधवा थी और इसका है ना अपने गांव से बाहर अपने इंदिरा आवास में मकान बनाकर रहती थी। इसका एक परिचित था जो कि इसका एक तथाकथित प्रेमी था, वो उससे ज्यादा कदा उसकी मदद करता था। उसको आरोपी जो प्रेमी है भरत, उसको ये शक हुआ कि ये महिला किसी अन्य के साथ भी संबंध रखने लगी है। इस बात से रुष्ट होकर के उसने इस घटना को कारित किया है। इस घटना को सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड को FSL टीम को उसको बुलवाया गया था और साइंटिफिक तरीके से संदिग्धों के कम से कम 13-14 लोगों के DNA सैंपल कराए गए थे, जिसमें इस आरोपी का DNA सैंपल मैच हुआ है। घटनास्थल पर इसकी उपस्थिति प्रूव हुई है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।